नमस्कार माय ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 CUET एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चल रही है. आई एम योर मेंटर शिखा एंड आई विल हेल्प यू इन द कंप्लीशन ऑफ CUET एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2022 फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश. लास्ट वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस पार्ट. वी हैव स्टार्टेड द ग्रामेटिकल पार्ट. उसमें सबसे पहले हमने टेंस लिया है. हाफ ऑफ द पार्ट वी हैव कंप्लीटेड जिसमें मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ऑल द टेंसेस. आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे के पार्ट से, यानी कि हमने पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू द टाइम आस्पेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम एंड अकॉर्डिंग टू द आस्पेक्ट हम पढ़ चुके थे. अब हम एक हर सेंटेंस को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस के जो सब पार्ट हैं वो हम आज देखेंगे. सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, ये जो सब पार्ट हैं, जो आस्पेक्ट हैं, ये सारे टेंसेस में सेम है, पास्ट में और फ्यूचर में भी. डेफिनेशन देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हो रही है. अकरिंग इज कॉल्ड जो हो रही है एट द मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग और राइटिंग. ये याद रखना है आपको, दिस इज द मेन इसकी डेफिनेशन है. कब होता है प्रेजेंट टेंस? देखो प्रेजेंट के फोर पार्ट्स है, तो प्रेजेंट का मतलब तो प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एवरीथिंग विल कम इन प्रेजेंट टेंस. बट वॉट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट एट द टाइम ऑफ द मोमेंट वेन यू आर स्पीकिंग और राइटिंग समथिंग द एक्शन टुक प्लेस ना, दैट एक्शन इज कम्स इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जब आप बोल रहे हो या लिख रहे हो उस टाइम पे जो भी काम या कोई भी इंसिडेंट हो रहा है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. एग्जाम्पल देखो, आई प्ले. यहाँ पे सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन अगर मैं देखूँ तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे आएगी आपकी वर्ब. ठीक है, वर्ब कैसी है, कौन सी वर्ब की बात कर रहे हैं हम? मेन वर्ब की बात कर रहे हैं. एम वी स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब, आई टोल्ड यू अर्लियर. अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर. ठीक है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट. तो यहाँ पे वर्ब का में एस या ई एस आता है किसके साथ? सिंगुलर के साथ. लाइक आई प्ले, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड हियर द वर्ब हैज कम एज इट इज. प्लूरल के साथ कोई भी एस या ई एस नहीं आएगा, जस्ट रूट फॉर्म आएगी, एज इट इज वर्ड आएगा. सिंगुलर ही या शी, इसके साथ मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंसेज आर नॉट गिवन, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट. नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज. ठीक है, डू या डज, और इसके साथ यूज हो जाता है हमारा नॉट. ठीक है, डू आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड डज आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. अब इसका यूज कैसे करते हैं? लाइक आई प्ले, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई डू नॉट प्ले. ठीक है, ये हो गया हमारा आई डू नॉट प्ले. नेक्स्ट हमारा अगर इसमें देखें सिंगुलर में, तो ही के साथ हमारा इसमें आएगा डज नॉट प्ले. ठीक है, डज नॉट प्ले. अभी यहाँ पे जब डज आ गया है, देन एस विल नॉट कम अगेन इन द मेन वर्ब. व्हाई? बिकॉज डज इज ऑलरेडी टेकिंग एस एंड ईएस बोथ. तो अब दोबारा से इसमें प्ले में एस नहीं लगाएंगे. मीन्स नेगेटिव जो सेंटेंस है तो उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में एस आएगा, मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं होगा. तो ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे हो गए नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए. इंटेरोगेटिव भी मैं आपको बता देती हूँ, इंटेरोगेटिव कर लेते हैं. इट्स वेरी सिंपल. इंटेरोगेटिव दो तरह से होते हैं. ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं. लाइक इंटेरोगेटिव दो तरह से, एक तो हो गया आपका डब्ल्यू एच वर्ड. ठीक है, वन इज फ्रॉम डब्ल्यू एच वर्ड एंड वन इज वेन द हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब. मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब. दिस विल सेम इन ऑल द सेंटेंस. ठीक है, ये सारे सेंटेंस में, सारे टेंसेज में सेम होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमने हेल्पिंग वर्ब ली है उससे अगर स्टार्ट होता है तो इंटेरोगेटिव बनता है. एंड इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो कंस्ट्रक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हेल्पिंग वर्ब विल जस्ट कम हियर इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट्स इट. द कंप्लीट फॉर्मेशन विल बी एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज रहता है. और क्या हो जाता है, इसमें लास्ट में बस क्वेश्चन मार्क आ जाता है. अगर यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है एंड देन क्वेश्चन मार्क आ जाता है. मैं आपको बता देती हूँ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस करके एक एग्जाम्पल दे देती हूँ इंटेरोगेटिव का.
because it is not given here, but these are simple. I am just refreshing interrogative. वही sentence हम ले लेते हैं. मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ. देखो, I and यहाँ पे आया था play. ठीक है, this was the sentence. Now how we will make it the interrogative? तो यहाँ पे helping verb आ जाएगी, do I play and question mark. I always comes in the capital form. तो यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखा है. ठीक है, I hope it is understood. WH अगर word आता है तो simple कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, where and D will come in the small form. Where do I play? ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड. कंस्ट्रक्शन समझ में आया. अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब विल कम जस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच विल कम बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. नो अदर चेंजेस विल बी देयर इन द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा. सिंगुलर फॉर्म का देख लेते हैं, ये हमारा प्लूरल में हो गया. ठीक है, अब हम एक सिंगुलर का देख लेते हैं. सिंगुलर का सेम मैं ले रही हूँ, जो ही और शी प्ले आया है. मैं यहाँ पे अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट कर रहे हैं तो वैन और उसके बाद क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी. और अगर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव और दूसरे कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये भी होते हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इंटेरोगेशन और नेगेशन दोनों साथ में आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे लेकिन वो इसमें हेल्पिंग वर्ब कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होगा. प्लीज रिमेंबर दैट, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, एंड देन हियर कम नॉट. ओके, एंड देन द मेन वर्ब एंड फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. दैट्स इट. ठीक है, when does he not play, this is the example of interrogative negative. ये इसका example हो गया, and interrogative का example is this. I hope it is understood. आगे चलते हैं. Yes, now present continuous tense. Continuous मैंने बताया था आपको, continuous का मतलब क्या होता है, continuous का मतलब होता है ing in the main verb. The present continuous emphasizes the continuing nature of an act. Continuing nature, कोई भी काम हो रहा है वो continuity में अभी चल रहा है, कोई event है वो भी अभी चल रहा है, कोई condition है वो भी अभी चल रहा है. जो progress में है, जो continuation में, वो continuing में आएगा. Simple. For example, I am playing. ठीक है, he or she is playing and they are playing. I के साथ यहाँ पे helping verb am का use हो रहा है, he के साथ helping verb इसका use हो रहा है. दीज आर सिंगुलर. ठीक है, ये कैसे हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. प्लूरल के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हो रहा है. एंड इन ऑल द मेन वर्ब व्हाट इज कमिंग आईएनजी, व्हाई, बिकॉज इट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. हाउ वी विल केम टू नो, प्रेजेंट मींस एम इज एन आर. हेल्पिंग वर्ब इज शोइंग द टेंस, द टाइम, एंड आईएनजी इज शोइंग द कंटिन्यूटी, द कंटीन्यूअस टेंस. आई होप इट इज क्लियर. नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसका. नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में सिंपल, नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट I am not. ठीक है, I am not playing. This will come here followed by a full stop. Next, अगर आप देखो singular में तो he is not playing. ये आ गया हमारा. Next आएगा हमारा they. ये हमारा हो गया plural में. They के साथ are आ जाएगा और इसके बाद not, nothing else. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ये भी क्लियर है. अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव अगेन इट्स वेरी क्लियर. इंटेरोगेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं हम. इंटेरोगेटिव में क्या, टू टाइप से, डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से बनेगा. यहाँ पे क्या होगा, आपका एस स्टार्ट हो जाएगा, एम आई प्लेइंग. ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. सिंपल सा आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज ही प्लेइंग. सिंपल, ये इससे स्टार्ट, जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी. और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, देन आर दे एंड देन नॉट, आर दे नॉट प्लेइंग, दिस इज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. प्लीज जस्ट रिमेंबर दैट क्वेश्चन मार्क. और अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो अगेन इट इज वेरी सिंपल. अगर कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है, डब्ल्यू एच वर्ड, सिंपली इट विल कम हियर बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. उससे पहले आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैन. ठीक है, वैन इज, और अगर ये आएगा तो यहाँ पे आई स्मॉल आ जाएगा, वैन इज ही प्लेइंग. सिंपल. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा वेयर. कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आप लगा रहे हो, उसके बाद ए आ जाएगा स्मॉल. वेयर आर दे नॉट प्लेइंग. आई होप इट इज अंडरस्टूड. आगे चलते हैं.
present perfect tense. The present perfect tense is used to describe the action that began in the past and continues into the present. ठीक है, कब शुरू हुआ है? Past में शुरू हुआ, लेकिन present में भी चल रहा है. Has just been completed, और अभी अभी खत्म हुआ है. चल नहीं रहा है, चलेगा तो प्रोसेस हो जाएगा, प्रोग्रेस में आ जाएगा. मतलब पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में था और खत्म हो गया. ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट में. एग्जाम्पल देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैव और हैज. ये हम बता चुके हूँ. हैव किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ. हैज आता है आपका सिंगुलर के साथ. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका. यहाँ पर आपकी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. रिमेंबर आई टोल्ड यू वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी, दे नेवर कम अलोन, कभी अलग नहीं आते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यस, लाइक दिस आई हैव टू राइट. यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया है, थर्ड फॉर्म आ गया है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वेरी सिंपल, जो नेगेटिव है उसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, दैट्स इट. ठीक है, आई हैव नॉट, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हो गया. देन सिंगुलर के साथ अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ही हैज नॉट प्लेट. ठीक है, यहाँ पे प्लेट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे भी प्लेट. आई होप इट इज अंडरस्टूड. ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है. अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्या करना है हमको? इंटेरोगेटिव में सिंपल, द हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, हैव आई प्लेट, एंड फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क. एंड अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड से कैसे स्टार्ट होगा? वेयर, यहाँ पे आ जाएगा वेयर हैज ही प्लेड. ओके, वेरी सिंपल. और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, देन हम यहाँ पे लिख देंगे वैन हैज शी नॉट. ये याद रखेंगे बस कि नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा. ठीक है, यहाँ पे पहले डब्ल्यू एच वर्ड कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है, नथिंग एल्स. वैन देन हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, एंड देन नॉट विल कम इफ इंटरोगेटिव और नेगेटिव. आई होप इट इज क्लियर. आगे चलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, event or condition that has began in the past and continues in the present. This is the difference. पास्ट में शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट में है और चल रहा है. परफेक्ट नहीं आता, खत्म हो गया, बट कंटिन्यूस में क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है. परफेक्ट आप हमेशा ये मान के चलो, इसको हम पास्ट का पास्ट बोलते हैं. ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट इज कॉल्ड परफेक्ट. एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे आता हैव और बीन. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा बीन आता है और ये रहा आपका मेन वर्ब प्लस आई एन जी. सेम एज ही और शी के साथ हैज आएगा, बीन, एंड देन मेन वर्ब प्लस आई एन जी. नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसका. पहले नेगेटिव में सिंपल, द हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द स्टार्टिंग, तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, हैव आई बीन प्लेइंग. ठीक है, हैव आई बीन प्लेइंग, और यहाँ पे आपका हो जाएगा हैज. अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा वेयर. वेयर से बना लेते हैं हम, वेयर has he been. been बाद में आएगा, ये याद रखेंगे. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा. अच्छा, इसमें अभी ये आपका नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव बना दिया मैंने, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव लिख देती हूँ. दिस इज इंटेरोगेटिव, एंड ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी चाहिए तो इसमें क्या होगा? जस्ट हैज के बाद आपको क्या पुट करना है? नॉट. ठीक है, वेयर हैज ही नॉट बीन, ये इसके बाद आ जाएगा. यहाँ पर हैज ही नॉट बीन यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, जैसे हमने और में बनाया था, वेयर हैज ही नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट. ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे नेगेटिव एक बार बता देती हूँ. मैं इसके यहीं पे लिख देती हूँ नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग. यहाँ पे हैव और बीन के दोनों के बीच में आ जाएगा नॉट. ठीक है, बाद में नहीं आएगा. और यहाँ पे आ जाएगा आपका ही हैज, और उसके बाद आएगा नॉट एंड देन बीन. आई होप इट इज क्लियर. अब हम इसमें एक चीज देखते हैं. हमने नेगेटिव देख लिया, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट द टाइम रेफरेंस, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक टाइम रेफरेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दैट इज
परफेक्ट. जो यूज होता है पहले मैं लिख देती हूं टाइम रेफरेंस. टाइम रेफरेंस मतलब बताता है कि कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो टाइम रेफरेंस इज यूज्ड. ये जो टाइम रेफरेंस है ये आपके दोनों में यूज हो जाता है, जो भी आपके टेंस हैं. परफेक्ट कौन कौन से टेंस में यूज होता है? परफेक्ट टेंस में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों में ये यूज होता है. ठीक है, ये नंबर वन हो गया, ये नंबर, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू. ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सेम है. अब हम देखते हैं इसमें टाइम रेफरेंस किस वर्ड से शो करते हैं. टाइम रेफरेंस इज शोन बाय टू वर्ड, फॉर एंड सिंस. ये दो वर्ड होते हैं जिनसे हम टाइम रेफरेंस शो करते हैं. अब फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए. किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम. अ पीरियड इज शोइंग अ काइंड ऑफ प्रोसेस. और ये आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है थोड़े से एग्जाम्पल बता देती हूँ. यू विल केम टू नो, आपको समझ में आ जाएगा. पीरियड ऑफ टाइम में लाइक आप लिख सकते हो टू स्ट्रेट, आप लिख सकते हो टू आवर्स. अब आवर्स अगर आया है तो यहाँ पे मिनट्स भी आ सकता है, सेकेंड्स भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है आपका. ठीक है, एंड देन डे भी आ सकता है, एनीथिंग कैन कम. ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? फॉर टू आवर्स, फॉर टू मिनट्स, फॉर टू सेकेंड्स, फॉर टू मंथ्स, फॉर टू डेज, फॉर टू ईयर्स, कुछ भी आ सकता है. पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पहले मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, देन आई विल शो यू द आइडेंटिफिकेशन कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो पॉइंट ऑफ टाइम में आपका बेसिकली आ जाता है क्लॉक टाइम. कौन सा टाइम आ जाता है आपका? क्लॉक टाइम. अब क्लॉक टाइम कैसा होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट. कैसा होता है? एग्जैक्ट टाइम होता है. तो आप बोल सकते हो 8 o'clock, ऐसे हम बोल सकते हैं. तो कोई भी टाइम आ जाएगा, 9 a.m. ये आ जाएगा हमारा टाइम, ये आ गया. ठीक है, या अगर इन सब के नीचे जैसे हमने लिख दिया 2 hours, ये हमने क्या लिखा? 2 hours. 2 hours अगर हमने लिखा है तो इसके आगे कुछ भी आ सकता है, 2 minutes, seconds. अब इसमें डिफरेंस क्या है? इफ हियर विल कम लास्ट, अगर यहाँ पे लास्ट आ रहा है, लास्ट 2 hours, लास्ट 2 minutes, लास्ट 2 seconds, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंस का यूज होगा. अब इसमें दोनों में कैसे पता लगाओगे कि आपके डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या होता है? फॉर जो है, दिस कम्स फॉर द अनसर्टेन, अनसर्टेन और इनडेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है. इनडेफिनिट टाइम, टाइम कैसा है इसमें? अनसर्टेन है, इनडेफिनिट है, नहीं पता है. सिंस में क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है. इसमें टाइम होता है आपका डेफिनेट एंड सर्टेन टाइम. आई होप इट इज अंडरस्टूड. ठीक है, अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैं, हम एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं. ये वाला जो एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ठीक है, फॉर 2 hours ये लिख दिया मैंने. भाई 2 घंटे से नहीं खेला हूँ. तो यहाँ पे ये अनसर्टेन है कि भाई कौन से 2 घंटे, अभी 2 घंटे, थोड़ी देर पहले, सुबह के, कैसे. बट अगर सर्टेन टाइम है, यहाँ पर सर्टेन टाइम को आप एग्जैक्टली लिखोगे. सिंस अगर यही लिखना है, 2 hours लिखना है, तो आप यहाँ पे लगाओगे लास्ट 2 hours. उससे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ अभी से ठीक 2 घंटे पहले ये सर्टेन टाइम हो गया. तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैन नेवर कम विदाउट द यूज ऑफ फॉर एंड सिंस. यानी कि यहाँ पर फॉर और सिंस इन दोनों का यूज होगा ही होगा. टाइम रेफरेंस इसमें शो करते ही करते हैं. ठीक है, ये डेफिनेट होता है टाइम शो करना. यहाँ पर भी कर देती हूँ, जैसे हैव यू बीन प्लेइंग फॉर, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर 1 hour, फॉर 1 hour यहाँ लिख दिया हमने. अब यहाँ पे अगर हमको इसको डेफिनेट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस 8 o'clock. यहाँ पे तो क्लॉक टाइम एग्जैक्ट टाइम आएगा ना, तो वो क्लॉक टाइम आ गया. ठीक है, तो ये टाइम रेफरेंस के साथ बनेंगे. यहाँ पे क्या आना जरूरी है? यूज ऑफ फॉर और सिंस इज मस्ट. ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ इसमें. दैट वॉज, इसमें सर्टेन टाइम में आप एक चीज और याद रखो कि द थिंग दैट कम्स ओनली वंस इन अ डे, जो एक दिन में सिर्फ एक बार आती है, वो सारी चीजें भी इसमें आएंगी. अब एक दिन में एक बार क्या आती है? एक दिन में एक बार आपकी मॉर्निंग आती है. आई एम नॉट यूजिंग टू सेलेक्ट द कलर्स, आई एम जस्ट गेटिंग अवे. आई हैव यूज्ड ऑल द कलर्स इन दिस स्लाइड, नो प्रॉब्लम. अभी देखो, सर्टेन टाइम में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल द टाइम रेफरेंस ना, जो भी टाइम का जो एक बार आता है, एक बार क्या क्या आता है भाई? मॉर्निंग आता है,
मॉर्निंग, मॉर्निंग कम्स ओनली एट वन टाइम अ डे, मॉर्निंग देन आपका नून हो गया, देन आपका इवनिंग हो गया, देन आपका नाइट हो गया, ये सारी चीज़ क्या हैं, दे कम्स वंस इन अ टाइम, वंस इन अ डे, तो ये भी किसके साथ यूज़ किए जाएंगे, डेफिनेट के साथ यूज़ होंगे, यानी कि सेंस का यूज़ होगा. आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में हो गया, आ गया. वाई आई हैव टेकन सो मच टाइम, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल द रेस्ट ऑफ द टेंस, पास्ट और फ्यूचर में ये सेम रहेगा, तो पहली बार आपको इसमें समझ में आ गया तो ये सारी चीज़ें उसमें भी सेम रहेंगी. आगे